इसको हम लोग कंडेम करता है पुलिस अगर घूमने वाला को मारता है तो, क्योंकि ये तो करप्शन का अगेंस्ट में मतलब लड़ रहा है, जो जो जोर लड़ रहा है, तो उसको वो तो पुलिस भी तो हम लोग का सोसाइटी का हिस्सा है, तो मरना नहीं चाहिए पुलिस भी, हम लोग वो भी एक इंसान है, वो भी अगर सोसाइटी में कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है तो वो पुलिस लोग के लिए भी फेंक है, इसलिए पुलिस नहीं मरना चाहिए जो कर रहा है, जो पीसफुल या में तो किसी को वायलेंस नहीं हो रहा है, तो जो अपना डेमोक्रेटिक वे पे अपना इस सबसे कर रहा है तो इसको मरना नहीं चाहिए। अगर जो बात करना है, अगर इसको कुछ क्या करना है तो सरकार काम करना चाहिए, सरकार काम नहीं कर रहा है तो वो तो पब्लिक तो आएंगे ही, उसका मालिक है, जल्दी नल एंड वॉयड नहीं है। होना चाहिए। तो जिनकी जॉब्स जाएंगी वो सब री एग्जाम देंगे, आपका कहना है? हाँ देना चाहिए, देना क्योंकि चाहिए। एग्जाम वंस कॉम्प्रोमाइज हो गया उसमें वहाँ में जेन्यून है ऐसे कोई इसका मतलब ही नहीं है। एग्जाम कॉम्प्रोमाइज मीन्स देयर इज नो बॉडी इज जेन्यून, एवरी बॉडी इज पार्ट ऑफ दैट मतलब कॉम्प्रोमाइज एन एग्जाम। तो अभी सर आपको कैसा लगता है कि एक और डिमांड थी नाबम निपो को अरेस्ट नहीं किया गया, क्या कहेंगे? नाबम निपो का अरेस्ट तो हम लोग पहले से ये कर रहा डिमांड कर रहा था, तो पहले पिछला बन कॉल में भी हम लोग वो चीज़ को हम लोग का सोशल एक्टिविस्ट ये सोशल दोदम को हम लोग बताया था, तो उसी उसी को हम लोग का ये अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर मान चुका था, तो उसी रात जो वो चीज़ को फैसला हो चुका था कि उसको नाबम निपो को अरेस्ट कर देगा यदि ये करेगा, तो यह हमें तो यदि आया है बोलता है, अभी तक कुछ काम ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो नाबम निपो भी अभी कहाँ में है, हम लोग को सीबीआई लोग अभी हम लोग को कुछ बताना है, कुछ भी अपडेट नहीं है, तो इसी कारण जो हम लोग का अभी का बंद कॉल जो इसी कारण से मतलब जो बेस करके बंद कॉल किया गया। जी आपका नाम? बोरक जामी। सर आप भी सपोर्ट करते हैं इस बंद कॉल? सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि हम लोग का लीकेज का जो मामला है हाँ। उसमें सबसे बड़ी जो एक डिमांड है नल एंड वॉयड, तो वो एग्जाम फ्री होने चाहिए, सब होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बोल के रखे ना जो जिन्होंने बाउस मिलेगा ना, और तैयारी के लिए भी मांग कर सकते हैं, और जो सोल दुदम लोग भी बोला है ना, और ये जो पांच जो स्टेयरिंग कमेटी लोग भी बोला है कि जो जिन्होन कैंडिडेट खुद को समझते हैं ना वो भी आगे आ जाओ, और वो भी वापस री एग्ज़ाम देखे देखो ना, और हम लोग साथ दीजिए। एक्चुअल में ये तो वंस हो रहा है ना, एक बार हो रहा है ना, इतना सालों से करप्शन हो रहा है कि दुनिया मालूम है। एविन लो का ये जो कहता ना आयरविन लो का इंटरव्यू होता है, छोटा छोटा पोस्ट से भी लेके पूरा करप्शन हो रहा है बोल के बोलता है। एविन रेगुलर नौकरी को 10 लाख में भेज रहा है बोल के सब बोलता है। इस मौका पे पब्लिक साथ देना चाहिए ना, और जानता है वो ये ओपन सीक्रेट है, सब जानता है करप्शन हो रहा है बोल के, फर्स्ट टाइम हुआ है कि सब पब्लिक का डोमेन में है ना, पब्लिक मालूम है। इस मौका पे पब्लिक साथ देके इस चीज़ को आज हासिल करना चाहिए, और दोबारा करप्शन होने के लिए सोचने देना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। अगर गवर्नमेंट ये बात को पहले मान लेता तो ना आगे टाटन पॉइंट डिमांड को मानने से ऐसे नहीं होना था। अभी देखो ना हम पब्लिक को पूरा अरेस्टमेंट हो रहा है ना, हम लोग नेटवर्क यूज़ कर पा रहे हैं ना, हम लोग जो लोग जो फाइबर से कनेक्ट है जो टीवी भी नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे बेहतर है ना अपना काम कर पा रहे हैं, ऐसे हम लोग ऐसे टाइम पास हो रहे हैं। तो कहीं कहीं ये हाँ। रिपोर्ट मिली कि किसी को एक दो को घूमने वालों को मारा भी जा रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर काबू पर 144 डिक्लेयर है, उसके बहाने से पुलिस एट्रोसिटीज कर रही है लोगों पे, आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो नहीं मरना चाहिए, क्योंकि यहाँ में देखो यार कोई बैलेंस भी नहीं हो रहा, अभी घूम रहा होगा, यहाँ में कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है, और जो डिमांड था डिमांड क्या था, वो जो करेगा बोला था सेक्रेटरीट में करेगा बोला था, ये रोत में नहीं करेगा बोला, सेक्रेटरीट में करेगा बोला, वह जो करता है वो सही बोलने से सही में कर रहा है। यहाँ का डिपार्टमेंट लोग जो जूनियर ने बोलने से ना, जो पब्लिक जो करप्शन नहीं बोलने से, जो डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं बोलने से, आज साथ देखे आज हम लोग को ये मौका आने नहीं देना, लोग को बोलता प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली देख रहा है हमें, अभी लोगों दिख रहा है जी। ग्यामर पादंग जी तो उनकी तो ध्यान तो हो गया, लेकिन सोल दुदुम जो थे उनका अरेस्ट किया गया और उनकी टीम पूरी अरेस्ट की गई, आप क्या मांग करते हैं उनको छोड़ने के लिए? छोड़ना चाहिए क्योंकि वो देखो वो खुद इंडिविजुअल के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरा हम लोग के लिए अनएम्प्लॉयमेंट यूज के लिए कर रहे हैं। देखो हम लोग भी उम्र निकल रहे हैं, ना नौकरी मिल रहा है ना कुछ कर पा रहे हैं, माँ बाप का पैसा को इतना ट्यूशन जाके इतना पढ़ाई करके ख़त्म कर चुका है, आधा लाइफ हम लोग का निकल चुका है। इस मौका पर ये जो ये क्या था सोल दुदुम लोग जो आवाज़ उठा दिया है वो खुद का पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं किया है, गवर्नमेंट उल्टा उसको साथ देना चाहिए, जो कराते लोग उसको पकड़ना चाहिए, उल्टा उसको जेल लेके बैठा हुआ है, ये बहुत ये है, नाइंसाफी है।